हेलो माय सेल्फ डॉक्टर बियांका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो होगा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और कैपिंग ट्रीटमेंट के बीच में कंपैरिजन का। काफ़ी लोगों का ये रहता है कि मैम, अगर हमारे कुछ दांत ही ख़राब हैं, कुछ दांत ही आगे पीछे हैं, तो हमें उसमें तार बंधवाना चाहिए या हम उसको कैप लगवा के भी सही कर सकते हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट के बीच में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट की। ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जब भी आपके दांत को अलाइन किया जाता है, सही किया जाता है, वो एक नेचुरल तरीके से किया जाता है। यानी तार आपकी जो फोर्स है वो आपकी बोन पे पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है दांतों को पीछे किया जाता है। वहीं पे बात करें कैप की, तो कैप में क्या होता है, आपके हल्के जो नेचुरल टूथ होते हैं उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी उसको हल्का सा ट्रिम करना पड़ता है, उसके बाद में उस पर कैप लगती है। बट जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी सारे केस सेलेक्शन होते हैं कि ऑर्थो ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आपको मसूड़ों की कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। वहीं पे जो कैप ट्रीटमेंट है वो हर किसी पेशेंट के लिए ईजिली किया जा सकता है। तीसरा हम बात करते हैं कि जो ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जितने आपके दांत आगे पीछे हैं उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मिनिमम हम टाइम लें तो 1 ईयर का टाइम हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए मान के चलते हैं। वहीं पे बात करें कैप की, तो कैप जो होता है वो 1 वीक के अंदर अंदर आपके दांतों को सारी तरीके से ठीक कर देता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट में आप अपने दांतों का जो कलर है वो चेंज नहीं करवा सकते हो, बट कैप में आपको अगर अपनी स्माइल डिजाइनिंग करवानी है तो आप उसमें अपना एक दांत वाइट भी करवा सकते हो, एक शेड वाइट भी करवा सकते हो, ऐसे कुछ भी चेंजेस आप उसमें करवा सकते हो। ऑर्थो ट्रीटमेंट में आपको क्लीनिंग की या फिर ओरल हाइजीन मेंटेन करने की थ्रू आउट द प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पे कैप के लिए भी आपको ओरल हाइजीन की नीड पड़ती है, आपको अपने दांतों की सफाई करनी पड़ती है। ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर आपने एक बार करवाया है तो आपको उसके बाद रिटेनर्स पहनने पड़ते हैं, ताकि जो आपके दांत जिस जगह पे आए हैं उसी जगह पे बने रहें, वो वापस आगे पीछे ना हो। वहीं पे कैप ट्रीटमेंट को अगर आप एक बार करवा लेते हैं तो आपको करवाने के बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे बात करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट में हम नेचुरल टीथ को कोई भी हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है आपके दांत बिल्कुल नेचुरल ही रहते हैं। वहीं पे बात करते हैं कैप की, जब भी आप कैप लगवाते हो तो आपके दांतों में एक आर्टिफिशियल चीज़ लगाई जाती है, तो उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके जो दांत आगे पीछे हैं उसके लिए हमें ट्रिम करना पड़ता है, तो आपको थोड़े टाइम के लिए आर्टिफिशियल फीलिंग आ सकती है, बट आपको 1 या 2 हफ्तों के अंदर नकली दांतों का कुछ भी पता नहीं चलता और पेशेंट उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाता है तो दांत वापस आगे पीछे होने के चांसेस रहते हैं, बट कैप में ऐसा कुछ नहीं होता है। कैप एक बार जहाँ लग गई वहीं पर आपके ऑल टाइम रहेगी। ऑर्थो ट्रीटमेंट के जहाँ हम कॉस्टिंग यानी चार्ज की बात करें तो इसमें 20 से 30 हज़ार का खर्चा नॉर्मल हम मान के चलते हैं। वहीं पे कैप में इसका खर्चा काफ़ी कम आता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दांत लगवा रहे हो। अब बात करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट की, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट में आप एक एज के बाद में ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कैप आप किसी भी एज में करवा सकते हो, बट हमारी ओर से प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर जहाँ तक आपकी अगर एज या फिर आप सूटेबल हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप अपनी एज के हिसाब से, अपने जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से तार बांध के नहीं जा सकते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप उतना खर्चा अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट पर नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए कैपिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको अभी भी ऑर्थो या फिर कैपिंग प्रोसेस में अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो अभी होपफुली आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे कि आपके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट ज़्यादा बेस्ट है या कैपिंग ट्रीटमेंट ज़्यादा बेस्ट है। दोनों ही ट्रीटमेंट आपकी स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, यानी दोनों ट्रीटमेंट आपको सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।